हेलो गाइस, वेलकम टू फूडी कुकिंग रेसिपी। आज हम बनाएंगे शाही पनीर बिना काजू क्रीम। कोई भी चीज़ हमें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं, घर के ही सामान से आज हम शाही पनीर बनाएंगे। बिल्कुल शादियों वाला रेस्टोरेंट स्टाइल, बनाने में बहुत आसान है, खाने में भी टेस्टी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं जल्दी से। जी, मैंने आधा ग्लास पानी लिया है, इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं 2 टमाटर बीच में से कट लगाकर। इसे हम एक बॉईल आने तक इसी तरह से हम कुक करेंगे। ऊपर से मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक, ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए एक बॉईल आ चुका है, तब तक हम ले लेते हैं 3 हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सी के जार में। तीनों चीज़ों को इकट्ठा ही हम ग्राइंड करेंगे। ये देखिए तीनों चीज़ें मैंने मिक्सी जार में डाल दी हैं, अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। देखिए तीनों चीज़ें हमारी ग्राइंड हो चुकी हैं, अब हम इसे कटोरी में निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं आप। अब इसी जार में मैं लूँगी प्याज, ये 2 बड़े प्याज हैं, मैंने इन्हें कट करके रफली चॉप करके इसके अंदर डाल दिया है। इसे भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। देखिए प्याज भी हमारे पीस चुके हैं, इसे भी मैं कटोरी में निकाल लूँगी। अब यहाँ पर हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, इन्हें भी हम ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रहे इन्हें हल्का सा ठंडा करके ही हम ग्राइंड करेंगे। देखिए टमाटर की भी प्योरी भी तैयार हो चुकी है, इसे हम छान लेंगे अच्छी तरह से। जो इसके जो सीड्स होते हैं ना, वो अच्छी तरह से अलग हो जाएंगे और हमारी बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। जो हमारा वेस्ट होता है ना इसका, टमाटर का, वो हम इसे फेंक देंगे। देख सकते हैं कितना वेस्ट इसका निकल चुका है और हमारा स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसी तरह का हमारे पेस्ट चाहिए। अब हम लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में मैं डालूँगी रिफाइंड ऑयल, 1.5 कड़छी मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है इसके अंदर। ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, तब तक हम पनीर देख लेते हैं। ये घर पर ही मैंने पनीर को बनाया है दूध को फाड़ कर, तो देख सकते हैं ये बिल्कुल ही सॉफ्ट बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मैं जल्दी से अपलोड कर दूँगी। अब इसे हम कट कर लेंगे। देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हमारा पनीर बनकर तैयार हुआ है और ये ईज़िली देखिए कितना अच्छा कट हो रहा है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हमारा, इसे मैंने क्यूब्स में काट लिया और देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल मार्केट की तरह ही हमारा ये पनीर बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मैंने डाल दिया है 3 तेज़पत्ता, 2 लौंग, 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का डाल दिया है और 1 डाल दिया बड़ी इलायची। अब इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे। जो शाही पनीर में असली टेस्ट है वो इन्हीं मसालों का ही है, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। साथ में इन्हें जीरा डाल दिया है। अब जीरा हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसी के साथ अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर प्याज जो हमने ग्राइंड करके रखे हुए थे। अब प्याज को हम हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, बिल्कुल आराम से हम इन्हें फ्राई करेंगे लो फ्लेम पर। जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए हम इसी तरह से इसे भूनते रहेंगे। देख सकते हैं प्याज का हल्का हल्का सा कलर चेंज होने लग गया है, प्याज ने ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, ये देख सकते हैं। इसी तरह से हम इसे भूनते रहेंगे। जितना हम प्याज को भूनेंगे उतनी ही हमारा जो रेसिपी है अच्छी बनकर तैयार होगी। ये देखिए अब इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अब इसी के साथ मैं डाल दूंगी जो टमाटर की प्योरे है हमने बनाकर रखी है, वो इसके अंदर डाल देंगे। अब इसी को सभी को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूंगी।
अब हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने बना कर रखा हुआ था। इसी के साथ डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार, 1.5 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, मिर्ची कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर स्पाइसी कम खाना पसंद करते हैं तो कम डाल लीजिए। अब सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे 2-3 मिनट तक हम इसी तरह से भूनते रहेंगे मसाले को। देखिए जितना हम मसाला भूनेंगे उतनी ही ज़्यादा टेस्टी हमारी रेसिपी बनकर तैयार होगी। देखिए मसाले ने ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, इसे फिर से हम भूनना स्टार्ट करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है, बच्चों और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आती है ये। अगर इस तरह से बनाएंगे एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब इसमें मैं डाल दूंगी बिल्कुल थोड़ा सा पानी, पानी हमें बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा पानी हमें इसमें ऐड नहीं करना। इसे देखिए लगातार हम इसी तरह से चलाते रहेंगे, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, मसाले को हमें बहुत अच्छी तरह से भूनना है क्योंकि हमने जो गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखी हुई है, लो के कारण हमें जो हमारा मसाला बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगा। देखिए मसाला हमारा पककर तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मसाला भुनकर हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स डालेंगे इसका। ये देखिए ये है दही, ये मैंने आधी कटोरी दही लिया है। ये देखिए इसे लगातार हम इसी तरह से चलाते रहेंगे, शाही पनीर में इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब इसे लगातार हम इसी तरह से चलाते रहेंगे। अब इसी के साथ मैं डाल दूंगी कसूरी मेथी, इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है शाही पनीर में, ये ज़रूर से डालिएगा। देखिए हम लगातार इसी तरह से इसे चलाते रहेंगे, ये बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनकर हमारी रेसिपी तैयार होती है। ये देखिए अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1.5 ग्लास दूध। आप दूध कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ग्रेवी नहीं पसंद तो आप बिल्कुल कम डालिएगा, 1/2 ग्लास डाल लीजिए, लेकिन थोड़ी सी मुझे ग्रेवी यहाँ पर चाहिए थी इसीलिए मैंने 1.5 ग्लास दूध डाल दिया है इसके अंदर। देखिए ग्रेवी में जब तक उबाल ना आ जाए हम इसी तरह से हिलाते रहेंगे। देखिए एक बॉईल आ चुका है ग्रेवी के अंदर, इसे हम इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे। 1 मिनट के लिए हमें इसी तरह से चलाना है इसे, ये थोड़ी सी थिक होना स्टार्ट हो जाएगी हमारी ग्रेवी, ये देख सकते हैं आप। अब हम जो गैस की फ्लेम है इसे मैंने हाई कर दिया है, हाई फ्लेम पर हम इसे बॉईल देंगे एक। अब हम इसके अंदर डाल देंगे पनीर जो हमने पहले से कट करके डाला है, सारा पनीर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसे हम हल्का हल्का सा इसी तरह से हिलाएंगे क्योंकि जो पनीर है काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसे हमें हल्के हाथों से ही हिलाना है ताकि जो पनीर के पीसीस हैं ये टूटे ना। ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया शाही पनीर हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप एक बार ज़रूर से ट्राई करिए। लेकर आएंगे हम इसी तरह की और नई नई रेसिपीज, तब तक देखते रहिए फूडी कुकिंग रेसिपी। बाय बाय।